नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं मिस्ट ब्लोअर के बारे में। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, आपको इस यंत्र के बारे में, इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएँ। दोस्तों, इस ये नवीनतम टेक्नोलॉजी है जो कि अभी इंडिया में नया लॉन्च हुई है। तो दोस्तों देखें पूरी जर्नी, ये डेमोन्स्ट्रेशन की पूरी जर्नी बताते हैं हम आपको। आज मैं निकल रहा हूँ अभी पुणे से अहमदाबाद के लिए, जहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करने वाले हैं ब्लोअर का। ब्लोअर मतलब एक मिस्ट ब्लोअर, जो कि खेतों में और एक दवा का छिड़काव करने के लिए, बेसिकली पेस्टिसाइड छिड़काव करने के लिए उसका उपयोग होता है। मिस्ट ब्लोअर जो कि एक नवीनतम एक तकनीक है जो कि इंडिया में लॉन्च हुई है। तो कैसे उससे दवा का छिड़काव करते हैं, तो अभी हम पुणे से निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको अपडेट देते हैं। हम लोग अभी कहाँ पहुँच गए? गुजरात आ गया ना? गुजरात, और मेरे ख्याल से हम लोग सूरत के लिए जो रोड होता है, सूरत के आसपास है। अभी सूरत के आसपास पहुँच गए हैं। हमारे साथ है मिस्टर शंकर लाल, दैट एक्सपर्ट एग्रीकल्चर मशीन्स। अभी अहमदाबाद कितना किलोमीटर होगा? ऑलमोस्ट 280 समथिंग होना चाहिए। 280 आसपास। तो आज इवनिंग में हम लोग अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और फिर आगे का जो अपडेट है, जो कि हम एक दवा छिड़कने वाली मशीन जिसको हम मिस्ट ब्लोअर कहते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं कुछ वैज्ञानिकों के बीच में, कुछ साइंटिस्ट भी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के। किस तरह से किसान भाइयों के लिए और किस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद मशीन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, वहाँ पहुँच के हम नेक्स्ट आपको अपडेट देते हैं। धन्यवाद। हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली अहमदाबाद। पुणे से चल के रात में हम लोग अहमदाबाद आ गए। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लेस पर जा रहे हैं, जहाँ पर हमें इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है उस प्रोडक्ट का। कल सुबह 7:30 बजे हम निकले थे पूना से, और 7:30 बजे निकलने के बाद ये जो है कल शाम के 7:30 बजे अहमदाबाद आ गए थे। लगभग 12 घंटा हमें पुणे से अहमदाबाद पहुंचने में लगा। दो लोग थे, वो आधा टाइम वो कार चलाया, आधा टाइम मैं चलाया। फाइनली इसी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए इतने दूर से, क्योंकि कंपनी ने दिया ना, इसका जो ऑफिस है ना, ये कंपनी ने पुणे से सप्लाई किया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इस मशीन को और फाइनली इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं फील्ड में। कपास के खेत में हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। हमारे सहयोगी मिस्टर शंकर लाल इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अभी ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है और अभी इन्होंने इसका छिड़काव शुरू कर दिया है और ये छिड़काव कर रहे हैं कपास के फील्ड में। कपास जो कि इसमें पेस्टिसाइड जो रहते हैं से अधिक उपयोग होता है, क्योंकि इस फसल, खासकर कपास की फसल में जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा खतरा जो है जो कपास में होता है, इसलिए इसको हम इसका पेस्टिसाइड का इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम अभी आपने देखा दोस्तों। अभी हमने कपास में इसको हाई लो प्रेशर वॉल्यूम पे इसका छिड़काव किया है। अभी हम इसका थोड़ा सा ब्लोइंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा हाई प्रेशर में करेगा, इसलिए एक फंक्शन होता है। अभी स्टार्ट किया है द्वारा से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हमारे सहयोगी। इसमें एक फंक्शन होता है, अगर क्रॉप का जो स्टेम है वो कमज़ोर है तो कम प्रेशर पे हम इसका दवाई का छिड़काव करते हैं। अगर स्टेम बड़ा है, क्रॉप साइज बड़ा है और किसी प्लांट में छिड़काव करना है तो हम थोड़ा हाई प्रेशर इसका छिड़काव करेंगे। अभी हम आ गए हैं मशीन छिड़काव करने के बाद। अभी हम इसका फिर से, इसको कपास के पेड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पौधे, अभी इन पर हमने दोबारा से छिड़काव कर दिया है। कपास दोस्तों एक ऐसी क्रॉप होती है, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर शंकर लाल कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं किसानों को कि इसको कैसे इसका केयर किया जाता है। बेसिकली कपास में बहुत अति आवश्यक होती है ये सब मशीन का यूज के लिए, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव अधिकतर उपयोगी होता है। कॉटन क्रॉप में अभी इसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्रॉप में इसका ट्रायल लेंगे, जिसका नाम है ग्राउंडनट मूंगफली, उसमें हम अभी इसका ट्रायल लेने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ये मूंगफली की क्रॉप में, ठीक है, और
ये रही आपकी ग्राउंड नट की क्रॉप। यहाँ पे हम इसका छिड़काव कर रहे हैं इसमें मूंगफली की क्रॉप में। अभी जैसा कि हमने कपास में किया है ट्रायल, अब हम इसका ट्रायल मूंगफली में कर रहे हैं। मूंगफली एक खरीफ की फसल है और इसमें अगर कोई इंसेक्ट या डिजीज लग जाता है तो पूरी फसल ख़राब हो जाती है, इसलिए दवा का छिड़काव इसमें बहुत ज़रूरी है समय समय पे। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं मिस्टर शंकर लाल, यहाँ पे ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। साथ में कुछ हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था जो कि इफ़को है, उसके वैज्ञानिक भी साथ में हैं, मिस्टर राय, पीके राय, जो कि इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये हम कर रहे हैं अहमदाबाद के पास एक जगह रिसर्च सेंटर पे, वहाँ पे कर रहे हैं। तो वो है जाली इसके अंदर, मतलब सर वो मिली का जाली नहीं मिला, वो जाली एक्चुअली उसका शेप जो होता है वो थोड़ा सा नीचे था। हाँ, ये जिसकी ये जो फिंस है ना वो एक साइड को होती है, तो आप वो ऐसे ही पर्टिकुलर एरिया में गिरेगा दवाई, दूसरे एरिया में जाएगा ही नहीं। तो वो एक जाली हमारे पास है। देन दूसरी जाली ऐसी है कि आपका क्रॉप इधर है लेफ्ट एंड राइट में, आपको सेंटर चलना है तो केमिकल लेफ्ट एंड राइट में गिराएगा, बीच में नहीं गिराएगा। ये जो है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, आखिरी तक बने रहें, इसमें फुल इन्फॉर्मेशन है। और आप इसमें जो भी सलाह देना चाहते हैं ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। शंकर भाई बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से प्रेशर को, जो इसका स्प्रे है दवा का, लेफ़्ट राइट तक कैसे एडजस्ट करते हैं, अप डाउन कैसे करते हैं। NP50 ये ग्राउंड नट का वैरायटी है जो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ग्राउंड नट फील्ड अभी इसमें ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। ग्राउंड नट कपास यानी कॉटन और मूंगफली दोनों फसल में हमने ट्रायल किया है इसका छिड़काव का। मक्का में अब इसका छिड़काव करेंगे। ये मक्का का फील्ड है, इसमें देखो ये अभी ये पक्षियों ने खाया है ना। हाँ ये देखो, अगर पक्षी पूरा आ जाए तो कुछ खेत में बचे ही ना है ना, मतलब समझो कि किसान जो है वो खेती सिर्फ पक्षियों के लिए ही कर रहा है। इसमें काफ़ी फसलों का नुकसान किया है ना ये। हाँ, बहुत सारा खा गए इसमें, यानी कि इनका परमानेंट इनका पूरा सुरक्षा होना चाहिए इसकी, है ना, इससे भगाते हैं। मक्का के खेत में अब हम इसका छिड़काव करेंगे। बस रहने दीजिए, आवाज चला रहे हैं। फाइनली मक्का में भी अब ये पेस्टिसाइड का जो डेमोस्ट्रेशन है छिड़काव का, वो अभी कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने कपास में किया, फिर मूंगफली में किया, और अभी इसके बाद मक्का में किया। अब फाइनली हम इस मशीन को खाली कर देंगे। 12 लीटर इसका पेस्टिसाइड का टैंक का कैपेसिटी है, जिसको हम अभी इसको ड्रेन करके ड्रेन कर देंगे
और इसको खाली कर देंगे। 2.5 HP का इसके पास में छोटा इंजन है, पेट्रोल इंजन है, जो कि नवीनतम जर्मन तकनीक वाला इसमें जो इंजन है। तो दोस्तों कैसा लगा स्टील कंपनी का SR-450 मिस्ट ब्लोअर का ये डेमोस्ट्रेशन, जो कि हमने गुजरात अहमदाबाद में कंडक्ट किया। इसके प्राइस, इसका डेमोस्ट्रेशन और इसके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो इसमें सुझाव देना चाहते हैं, इसके पावर यूज, फ्यूल कंजप्शन क्या है, इसका प्राइस कहाँ है, ये कहाँ पे मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।